ओके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा इस साल मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा। नंबर वन, कितने फंक्शंस बन सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे आपको याद होगा ना, हम जैसे ऐसे लिखते हैं फंक्शन को आर टू आर, इसका मतलब होता है डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। तो इस बार मैंने लिख दिया सेट ए टू सेट बी में कितने फंक्शंस आप बना सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है कार्डिनल नंबर बी टू द होल पावर कार्डिनल नंबर ए। तो बी में आप देखो ऐसे याद रखना, जैसे सेट ए टू सेट बी है, तो सेट बी वाला जो कार्डिनल नंबर है वो बेस में है और सेट ए वाला कार्डिनल नंबर उसकी पावर में है। नंबर टू, नंबर मैं इनका ना डेरिवेशन ही बताऊंगा वैसे तो, मतलब इंडक्शन मेथड से बना सकते हैं इस फॉर्मूले को, जैसे एक एलिमेंट दो एलिमेंट लिए, दो से तीन लिए, इस तरह से बनता है वैसे तो ये। फिर नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, ये मान के चलो कार्डिनल नंबर ए का आर है और कार्डिनल नंबर बी का एन है, ठीक है। तो ये जो आर है ये एन से छोटा होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं ये होते हैं इज इक्वल्स टू, ये इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, वही सेट ए टू सेट बी में एन पी आर। पी इसमें परम्यूटेशन है, एन पी आर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्लास 11th में था, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये वाला। और अगर आर एन से ग्रेटर देन हुआ, इफ कार्डिनल नंबर ए जो है वो कार्डिनल नंबर बी से अगर ग्रेटर देन हुआ, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो हो जाएंगे, बनेंगे ही नहीं। तो अगर सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कार्डिनल नंबर ए आर है, कार्डिनल नंबर बी एन मान लो, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे एन पी आर, और अगर आर एन से ग्रेटर देन हुआ तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो हो जाएंगे। थर्ड आप लिखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं आपको, नंबर ऑफ सरजेक्शन, सरजेक्शन याद है, सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू हाँ ऑन टू। तो नंबर ऑफ सरजेक्शंस मतलब नंबर ऑफ सरजेक्टिव फंक्शंस, इसके लिए एक कंडीशन जरूरी ये है, देखो जो कार्डिनल नंबर ए है, जो कार्डिनल नंबर ए है वो सपोज करो आपका दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, दो हो या दो से ज्यादा होना चाहिए, और कार्डिनल नंबर बी मान लो आपका टू है। कार्डिनल नंबर ए तो दो या दो से ज्यादा और कार्डिनल नंबर बी आपका टू है, या इसको टू या टू से ज्यादा मत लिखो, कार्डिनल नंबर ए या बस आप आर लिख लो, आप इसको ना कार्डिनल नंबर ए को आर लिख लो, थोड़ा सा सिंपल वे में लिखवा देता हूँ मैं आपको, कार्डिनल नंबर ए आर लिख लो और कार्डिनल नंबर बी आपका एन लिख लो। एन की वैल्यू दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सरजेक्शन फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सरजेक्शन फंक्शंस बनेंगे आपके, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला देखो ध्यान से याद करना, पहले तो आएगा एन रेस टू द पावर आर, ठीक है, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अब इसमें से माइनस करो एन सी वन, ये कॉम्बिनेशन वाला वन है एन सी वन, और इन टू एन माइनस वन टू दी होल पावर आर, ठीक है। फिर प्लस ऑल्टरनेट चलेगा, देखो प्लस माइनस, फिर आएगा एन सी टू, अब यहाँ पे एन माइनस वन था, अब ये हो जाएगा एन माइनस टू टू दी होल पावर फिर से आर। तो आप देखो इसका मतलब आर पावर चेंज नहीं होगी, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे चलता जाएगा, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ऐसे चलता जाएगा। अगला वाला आप लिख लो इसके अंदर, डॉट 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 करके लिख लेना फिर ये, और लास्ट वाली वैल्यू वैसे ये होगी माइनस वन टू दी पावर, एक मिनट ये कुछ बच्चे वेटिंग रूम में अभी भी हैं, माइनस वन टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन। और एक बात और याद रखना, अगर आपका कार्डिनल नंबर ए
लेस हुआ कार्डिनल नंबर बी से, ये अगर स्पेशल केस है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएंगे, जीरो ऑन टू फंक्शंस। अगर आपका कार्डिनल नंबर ए कार्डिनल नंबर बी से लेस हो गया तो, इसको मैं भी यूज करवाऊंगा आपसे। ये एक्चुअली ना, ये मैं जो लिखवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में कहीं गिवन नहीं है, इनफैक्ट ये आरडी में भी शायद ही मिलेगा, तो आप ये लिख लो, मतलब ये एक्चुअली इसमें काम आ जाता है, बच्चों को कॉम्पिटिशन लेवल पे काम आते हैं। तो नॉलेज के लिए कोई बुरा नहीं, आप लिख लो नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए से सेट बी में, नंबर वन कार्डिनल नंबर बी रेस्ट टू द पावर कार्डिनल नंबर ए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एन पी आर, जिसमें एन जो है वो बी का कार्डिनल नंबर है और आर जो है वो ए का कार्डिनल नंबर है, और अगर आर एन से बड़ा होगा तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सजेक्शन एन सी एन टू दी पावर आर माइनस एन सी वन एन माइनस वन टू दी पावर आर प्लस एन सी टू एन माइनस टू टू दी पावर आर एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म अपने आप ही आपको नजर आ जाएगी, वैसे आप चाहो तो लिख लो, वो तो आप एक एक कम करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आके ये एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब एक तो कुछ पॉइंट्स तो ये हो गए, मैं इसके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। एक तो एनसीईआरटी मिसेलेनियस में ही है, ये नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, अब आप मेरे को ये क्वेश्चन बताओ एनसीईआरटी का, ये मिसलेनियस का, एक सेट गिवन है इसमें ए सेट, इसमें ये कुछ एलिमेंट्स गिवन है वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर सेंस का मतलब एन तक, फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस या वन वन फंक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस ऑन सेट ए। अब देखो ये ऑन सेट ए का मतलब होता है सेट ए भी सेट ए है और सेट बी भी सेट ए है, मतलब डोमेन भी इसमें से लेना है और कोडोमेन भी यही वाला सेट है। जरा बता दो, वन मार्क क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई दिया, देख लो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना आपको, देख लो कौन सा लगाना है इसमें। तो भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वन मार्क में वन वन कैसे, मैंने आपको देखो ये क्या लिखवाया है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इज इक्वल्स टू एन पी आर, ये लिखवाया है इसमें n, नहीं नॉट डिफाइंड क्यों बेटा, देखो आपका जो बी सेट है वो भी मैंने बोला ए सेट है और ए सेट भी ए सेट है, फॉर्मूला है एन पी आर। अब आप ये देखो कि आपका n क्या है और आपका r क्या है, सेट a जो है यही आपका सेट बी है भाई, ऑन ऑन सेट ए का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर आप सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनाओगे तो इज इक्वल्स टू एन पी आर। अब मैं आपको कह रहा हूँ सेट ए टू सेट ए, तो यहाँ पे जो बी के सेट के कार्डिनल नंबर है और जो ए सेट के कार्डिनल नंबर है वो सेम है, तो आप देख लो ए सेट का कार्डिनल नंबर क्या दिया हुआ है, वन से लेकर एन तक क्या है कार्डिनल नंबर इसका, नेचुरल नंबर है वन से लेकर एन तक, एन एन, और R कितना हुआ सेट A का कार्डिनल नंबर, ये भी N, तो NPN हो गया, और NPN क्या होता है N factorial, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो बनेंगे इस सेट के ऊपर वो N factorial बनेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया सर। देखो आपका ना, मैं फिर से बता देता हूँ, चलो एक बार मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया NPR, ठीक है, अब इसमें N जो है वो सेट B का कार्डिनल नंबर है और जो R है वो सेट A का कार्डिनल नंबर है, जब सेट A से सेट B में फंक्शन बनेगा, इसका मतलब ये होता है ये सेट A आपका डोमेन होगा और ये सेट B आपका कोडोमेन होगा जिसमें से आप रेंज निकालोगे। अब मैंने आपको दोनों जगह सेट A दे दिया, मैंने कहा सेट A से सेट A में बनाओ, तो फ्रॉम सेट A टू सेट A नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है ऑन सेट A, तो ऑन सेट ए का मतलब हो जाता है डोमेन भी सेट ए और कोडोमेन भी सेम सेट सेट ए, तो आपने एन को भी एन लिया और आर को भी एन लिया, क्योंकि आपके ए के जो कार्डिनल नंबर में एलिमेंट्स हैं वो आपके एन हो गए, तो इसलिए आपने बोल दिया एन पी एन, डायरेक्ट हो गया आपका एन फैक्टोरियल। ठीक है, एक और ट्राई कर लो, ये लो, ये तो एनसीईआरटी का था क्वेश्चन है। आपका एक फंक्शन है रियल नंबर टू सेट ए, ठीक है, सेट ए का मतलब पता नहीं हमें सेट कौन सा है, हाँ आर तो रियल नंबर होता है, और फंक्शन आप ये लिख लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फंक्शन है और ये कह रहे हैं ये सर्जेक्टिव है, इज सर्जेक्टिव। तो आप मुझे सेट ए की वैल्यू बता दो, सेट ए क्या होगा? अच्छा ये बता दो सर्जेक्टिव होने की कंडीशन क्या होती है, परसों चार पांच क्वेश्चन तो कर ही लिए थे हमने। अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव है, इक्वल टू कोडोमेन, परफेक्ट जवाब, जो रेंज होती है वो कोडोमेन होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। आप अगर इस फंक्शन की रेंज निकाल लेते हो तो वही आपको सेट ए रखना होगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर होती है। इसका मतलब क्वेश्चन चला गया 11th क्लास की नॉलेज पे। अब इतनी बात तो 12th क्लास की हो गई भाई, सर्जेक्टिव फंक्शन तभी बनेगा जब रेंज कोडोमेन आपस में बराबर होंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है भाई हम इसकी रेंज कैसे निकालें, 11th क्लास में किया था लेकिन अब तो याद नहीं है। तो रेंज निकालने के लिए देखो क्या करना होता है। सबसे पहले आप ये जो रेंज गिवन है ना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सबसे पहले इसको एक सिंगल वैल्यू वाई मान लो, ठीक है? आप सब लोग करते जाना मेरे साथ साथ। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ सारी, सो दैट हम एक्स उसमें से कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा वन माइनस वाई और वो उधर डिवाइड में चला गया। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली जो होल अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई हो गई विद प्लस माइनस साइन। चलो अब हमने वाई की क्रिटिकल वैल्यूज निकाली, मतलब ये ऊपर वाला फैक्टर कब जीरो बनेगा और नीचे वाला फैक्टर कब जीरो बनेगा। तो देखो वाई की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक वाई की वैल्यू जीरो है और एक वाई की वैल्यू वन है। मैं फिर से बता दूं कैसे नहीं है वाई की वैल्यू, एक बार इस वाई को जीरो से इक्वेट कर लिया, एक बार वन माइनस वाई को जीरो से इक्वेट कर लिया, मतलब फंक्शन नॉन डिफाइंड का बनेगा और ये ऊपर वाला पार्ट जीरो कब बनेगा। अब आपने क्या करना है, वन से बड़ी कोई वैल्यू रैंडम चूज कर लो मन में, जैसे मैंने वन से बड़ी वैल्यू टू चूज कर ली, ठीक है? अब इस टू को इस अंडर रूट के अंदर रख दो वाई की जगह, तो देखो ये आपका अंडर रूट के अंदर मेरे ख्याल से नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव कर दो, टाइम वेस्ट मत करना, यहाँ नेगेटिव कर दो। अब आप बताओ रूट के अंदर कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? रूट के अंदर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल तो बीच वाला है, ठीक है? तो ये लो जी हमें रेंज मिल गई, मतलब जो y की वैल्यू है वही तो रेंज है भाई, हमने इसको y माना हुआ है और हम y की रेंज बता रहे हैं कि y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो आपका जो y है वो बिलोंग करेगा 0 और 1 के एक इंटरवल को। अब ये बता दो 0 y की जगह ले सकते हैं नहीं ले सकते? 0 अगर ले सकते हैं तो मैं बनाऊंगा क्लोज इंटरवल, अदरवाइज मैं बनाऊंगा ओपन इंटरवल। क्या y की जगह 0 पुट कर सकते हैं? ले सकते हैं ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप y के प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा सारा, कोई बात नहीं 0 तो हो सकता है, लेकिन आप वन नहीं ले सकते वाई के प्लेस पर, क्योंकि अगर आपने वन लिया देखो तो नीचे जीरो बन रहा है और नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए कभी, तो यहाँ पे लग गया ये ओपन इंटरवल। तो ये हमारी इस फंक्शन की रेंज है, तो ये आपकी रेंज आ गई है ना, ये रेंज हो गई आपकी जीरो से वन का क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सो देयर फोर जो आपका सेट ए होगा वो यही होगा, जीरो से वन क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्योंकि आपने तो रेंज को कोडोमेन के इक्वल रखना है। अब ये क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है मेरे पास, उसमें चार ऑप्शन है, एक में रियल नंबर है, एक ऑप्शन में जीरो वन का दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल है, एक ऑप्शन में जीरो ओपन है और वन क्लोज्ड है, और चौथा ऑप्शन यही वाला है इसका। तो यहाँ पे दो चीजें चेक हुई देखो बच्चे की, एक तो ये चेक हुआ अभी उसको सब्जेक्टिव के बारे में कुछ पता है नहीं पता, सब्जेक्टिव के बारे में पता है अभी रेंज कोडोमेन के बराबर होती है। अब 11th क्लास पे आ गई है कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो रेंज निकाल के दिखाओ, तो हमने रेंज निकाल के दिखा दी, तो रेंज आ रही है 0 टू 1, 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन। बताओ जी क्लियर है? सर एक बार ये नंबर लाइन कैसे बनाई है बता दीजिए। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ नंबर लाइन, जैसे मेरे पास ना ये स्क्वायर रूट के अंदर दो फैक्टर है, एक y है और नीचे y माइनस वन है, ठीक है? मुझे देखना यह है कि y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए इस अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई और y की दो वैल्यू वर्बली निकालनी, मतलब मन में निकालनी। एक बार इस y को जीरो के इक्वल रख लिया तो y की वैल्यू जीरो हो गई, एक बार इसको जीरो के इक्वल रख लिया तो y की वैल्यू वन हो गई, ठीक है? ये y की वैल्यू जीरो और वन आपने नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जाते हुए प्लॉट कर दी। बस अब आपको ये एक्चुअली क्या कहलाता है, वीकर मेथड कहलाता है। इसमें आपने क्या किया, वन से बड़ा कोई नंबर मन में चूज कर लिया, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, और आपने यहाँ पुट कर दिया। तो मैंने जैसे मन में 2 चूज किया तो मैंने देखा ये जो आएगा ये 2/1 पॉजिटिव आएगा, तो बस एक चेक कर लिया, बाकी के साइन चेंज कर दिए। ये सॉरी ये मेरा नीचे 1 - y था, सॉरी, तो ये मेरा -2, हाँ ये, मतलब ये नीचे वाला नेगेटिव आएगा ना,
तो उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये नेगेटिव आएगा और फिर ये पॉजिटिव कर दो इसको, फिर नेगेटिव कर दो, आप देख लो इसमें से कौन सा इंटरवल आपके काम का है। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसने आपने क्या लिया, आपने लिया जीरो से वन का इंटरवल हो गया। जीरो तो वाई की जगह पुट कर सकते हैं, तो जीरो पे क्लोज इंटरवल बनाओ, वन पुट नहीं कर सकते वाई के प्लेस पर, तो वाई वन पे ओपन इंटरवल बनाओ। ये वाई की वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं जो इस रूट के अंदर इस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखेगी। एक और दूंगा ऐसा, ये जरा मुझे करके दिखा दो, ये नोट कर लिया सबने, हो गया ये क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन टफ में नहीं आते, अगर ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ रहा है तो कोई टफ थोड़ी बोलेंगे कि अरे पेपर बहुत टफ आया, पेपर टफ नहीं है, ये तो बेसिक नॉलेज थी जो 11th क्लास और थोड़ा सा 12th क्लास को मिक्स करके बनाई गई। चलो अब आप ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, सेम सा दे रहा हूँ मैं आपको। एक फंक्शन है रियल नंबर टू, सॉरी रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है, इसका जो डोमेन है वो है टू टू इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये सेट बी तक इसकी कोडोमेन जाती है। सेट बी मतलब हमको निकालना होगा, ठीक है, और फंक्शन आप नोट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ये बाइजेक्टिव है, क्वेश्चन कह रहा है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आप मुझे बी बता दो, ठीक है। मैं आपको लो ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑप्शन से चेक करके बता दो, इसमें से कोई एक ऑप्शन है। तो मेन तो आपको वही सब्जेक्टिव से ही करना होगा थोड़ा, लेकिन ज्यादा जल्दी करना जरा। नहीं नहीं नहीं, ये ऑलरेडी वन वन है, चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस सीधा सब्जेक्टिव से देखना है। इसकी रेंज निकालो, कहने का मतलब आप रेंज निकाल लेते हो तो वही आपका कोडोमेन हो जाएगा, रेंज निकाल लो बस, और कुछ नहीं करना। रेंज कैसे निकालोगे एक बार ट्राई कर लो, और नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, अभी बैठना नहीं, मेरे पास थोड़ा सा ना कॉन्टिन्यूटी बतानी है। सर वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी मतलब बी ऑप्शन आ रहा है आपका, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है जी। और कोई सर? मैंने इसमें ना मतलब 5 को तोड़ दिया 3 प्लस 2 में, उसके बाद जो मेरे फैक्टर्स बने x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस 2, उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलो फैक्टर्स बनाने के पीछे कोई खास लॉजिक या बस ऐसे ही चलो फैक्टर्स बना लेते हैं, ऐसे ही कुछ सोचा? x की वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, देखो आपने तोड़ा इसको 3 प्लस 2 में, अब देखो मैं कैसे तोड़ रहा हूं इसको 4 प्लस 1 में, इसके पीछे खास वजह है, जरा ये देखो, ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, ये क्या चीज है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये बताओ कोई होल स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? कोई भी होल स्क्वायर है आप उसमें x को कुछ भी रखो, नहीं। मिनिमम वैल्यू बताओ किसी भी होल स्क्वायर की क्या हो सकती है, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। भाई आप इसमें एक्स को टू रख लो तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो से नीचे कभी नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू जीरो हो गई, उसमें वन ऐड कर लो तो मिनिमम वैल्यू तो वन हो गई। अब आप एक्स को जितना बढ़ाते जाओगे, दो रखोगे, तीन रखोगे, चार रखोगे, पांच रखोगे, एक लाख, दो लाख, एक करोड़, दो करोड़ और बढ़ाना शुरू करोगे, तो उसका स्क्वायर खुलने के बाद वो और बड़ी हो जाएगी वैल्यू, और वन ऐड करते जाओगे, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? मैक्सिमम वैल्यू वन, तो इसकी मिनिमम हो गई,
इंफिनिटी, ये है इसकी रेंज। इसका आंसर कभी वन से छोटा नहीं आएगा, मिनिमम वन रहेगा, और वैल्यू इसकी कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक। तो हमने इसकी रेंज क्या निकाली, यही मैंने आंसर दिया ना, वन टू इंफिनिटी, वो यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इस तरह से, तो आप हमेशा उसको एक कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से स्क्वायर बना लो। मैं आपको समझाऊं कैसे बनाते हैं स्क्वायर एक बार, मुझे कैसे चला पता कि भाई 4+1 लिखना है। सपोज करो मैंने आपको कहा इस फंक्शन की रेंज निकाल के दिखाओ, ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल देख लो, इस फंक्शन की रेंज निकालो। तो आप क्या करो, इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बनाओ। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपको याद होगा इंटीग्रेशन में बनाते थे, 9 पहले कॉमन लिया, ये 9 पूरी इक्वेशन से कॉमन आ गया, कॉमन ही रहने देना इसको, ये 3 से कैंसिल कर दिया मैंने। फिर x के कोफिशियंट 2/3 को आधा किया, जब इसको आधा किया तो 1/3 आया, फिर 1/3 का स्क्वायर किया तो 1/9 आया। तो अगले स्टेप में गए, ये जो x स्क्वायर माइनस 2/3x है, इसमें आप अपनी तरफ से 1/9 ऐड, और ये जो 5/9 था इसमें से 1/9 सब्ट्रैक्ट करो, तो बैलेंस आपका मेंटेन्ड है। तो अब देखो ये जो x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/9 है, ये तो बन गया x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये 5 में से बन गया रह गया 4/9। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, भाई आपका होल स्क्वायर तो बन चुका है ना, ये 9 वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया देखो ऐसे। अब आपको दिख रहा है ये होल स्क्वायर है, मैक्सिमम पता नहीं कहां तक चला जाएगा, लेकिन मिनिमम ये 0 हो सकता है होल स्क्वायर, तो 0 में 4 ऐड करो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू का हमें कुछ नहीं पता, तो ये इसकी रेंज हो गई देखो, 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप उसको ना इस तरह से, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर उसमें बनाए थे इंटीग्रेशन में, आपको याद हो, अगर नहीं याद हो तो, इंटीग्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मुला लगाते थे हम, 1/x² + a² वाला ऐसे कुछ लगाते थे, ठीक है। तो ये आपका जो ये रेंज आई है ना, बस आपका जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होगा, तो आप लिख देना देयरफॉर बी सेट भी आपका यही होना चाहिए, तभी फंक्शन सर्जेक्टिव बन पाएगा, 1 टू इंफिनिटी। बताइए भाई क्लियर है? Yes. अच्छा एक ही ना सैंपल पर मैं क्वेश्चन दिया हुआ, एक ही और कर लो बस, हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, फिर मैंने इसकी ना थोड़ी सी वर्कशीट बना दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें लेटेस्ट जो क्वेश्चंस अभी पब्लिश हैं वो भी डाल दिए मैंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है जी 3 मार्क्स में दिया हुआ है, आप ये लिख लो जरा, एक अटेम्प्ट करके देख लो, सैंपल पेपर में दिया हुआ है इस साल के। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, और फंक्शन fx है 2x³ - 5, ये फंक्शन है, शो कर दो फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव है। अब देखो उसने क्या दिया है, शो करो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो बस आप इसको अपना प्रोसेस दिखा के ना, जैसे आपको आता है प्रोसेस, 1-1 भी प्रूव कर दो और इसको ऑन टू भी प्रूव कर दो, बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों प्रूव कर दो। शो वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, अपनी बुद्धि पे ज्यादा जोर मत डालना, बस 1-1 भी कह दो, हाँ जी 1-1 भी है, और ऑन टू भी कह दो जबरदस्ती से, अच्छा नहीं भी आ रहा तो भी कह दो ऑन टू है, वैसे तो आएगा देखो। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ढूंढ रहा था उसकी कोई केस स्टडी मिल जाए। हाँ जी हुआ, 1-1, 1-2 दोनों दिखाने हैं।
वन वन हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, वन वन के लिए आपको प्रोसेस लिखना है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं इस इक्वेशन से। टू एक्स वन क्यूब माइनस फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स टू क्यूब माइनस फाइव। माइनस फाइव माइनस फाइव कैंसिल, फिर टू से टू कैंसिल, फिर आपने लिखा एक्स वन क्यूब रह गया एक्स टू क्यूब के इक्वल, एंड देयर फोर आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। जैसे ही आप ये लिखाओगे यहाँ लिख दोगे देयर फोर फंक्शन इज वन वन। अब सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं जरा बताना, याद है किसी को सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए एल्गोरिथम क्या यूज करते हैं? फिर y रख के फिर x की निकाल लेते हैं y के फॉर्म में। परफेक्ट परफेक्ट, इसको आप y के इक्वल मान लो रेंज को और x की वैल्यू निकाल लो। एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं y प्लस फाइव अपॉन टू का होल क्यूब रूट हो गई। मैंने क्या बताया था आपको, सोचना नहीं है कि कोई वैल्यू y की ढूंढने लग जाओ कहीं आपके, हम ढूंढेंगे वैल्यू जिससे नॉट डिफाइंड बनेगा। कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे नॉट डिफाइंड बनेगा। बस आपने लैंग्वेज क्या लिखनी है, लैंग्वेज प्रॉपर वही लिखना, इफ y बिलोंग्स टू। बताओ y किसको बिलोंग करता है, डोमेन को या कोडोमेन को? y रेंज, कोडोमेन, क्योंकि y रेंज होती है ना, तो ये कोडोमेन है जो एरो के पीछे लेटर लिखा हुआ है ना, ये r। इफ y बिलोंग्स टू r, अगर y कोई भी रियल नंबर होगा तो आपको लिखना है देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x। तो y की रियल नंबर के लिए x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो रियल नंबर को बिलोंग करेगी। सो देयरफोर जितनी रेंज है और कोडोमेन है ये आपस में इक्वल हो जाएगी, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाएगी, देयरफोर फंक्शन आपका ऑन टू कहा जाएगा, एंड देयरफोर नीचे लिख देना फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बस क्योंकि जब वो शो करवा ही रहा है तो हम क्यों सोचें बैठ के ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिससे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, होगा ही नहीं तभी तो शो करवा रहा है बाइजेक्टिव। ठीक है, तो शो करने वाले क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो। हाँ, अगर ये होता है चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव तो हम चेक करते को ढूंढते वाली ऐसी वैल्यू जिसे नॉट डिफाइंड हो जाए, और कोई ऐसी वैल्यू मिलती नहीं हमें। अब देखो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नॉट डिफाइंड होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नॉट डिफाइंड नहीं होता, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो नॉट डिफाइंड मतलब कि रियल नहीं होता, लेकिन ये रियल होता है। तो ये एक मतलब एक सैंपल में क्वेश्चन नजर आया मुझे, तो मैंने पूछ लिया आपसे ऐसे ही। तो इसका क्वेश्चन देखो अगर आएगा ना डायरेक्ट जैसे आप कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस उसको ध्यान से लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिख के आनी है आपको। डन? यस सर। ठीक है जी, अब आप डालो नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली फंक्शन काफी बड़ा था लेकिन बहुत कुछ तो हट ही गया इसमें से। कॉन्टिन्यूटी, पहले आप ना एक कॉन्टिन्यूटी का जरा थोड़ा सा ना मतलब समझ लो। एक मिनट, शुभ वेटिंग रूम में। लिखो आप एक लाइन लिख लो बस कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, एक लाइन लिखवाऊंगा बस। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व, इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व without breaks, without breaks or jumps, without breaks or jumps throughout its domain, throughout its domain. अब एक example ले लेते हैं, मैं समझाता हूं आपको क्या मतलब। हमारा फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर टू रियल नंबर, आप बताओ इसका डोमेन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है डोमेन क्या दिया है मैंने आपको, रियल नंबर, तो आपको देखना है रियल नंबर। तो आपको ये देखना है कि अब जब हम ये कोई भी फंक्शन है और मान लो मैंने इसका ऐसे ग्राफ बना दिया, ये इसका ऐसे ग्राफ बना दिया। वैसे तो ये ग्राफ पर्टिकुलर एक फंक्शन का होता है, साइन फंक्शन मान लो आप, ऐसे इसका ग्राफ चल रहा है किसी भी रियल नंबर के लिए।
तो आप देख रहे हो ये किसी भी पॉइंट पे ना तो कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है और ना ही ये जंप कर रहा है. जंप बताऊंगा कैसे, बीच में जहाँ पे गैप आ जाता है. तो हम कहेंगे ये जिस फंक्शन का भी ग्राफ है, जिसका भी ये ग्राफ है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अपने पूरे डोमेन में. डोमेन क्या है? रियल नंबर. तो रियल नंबर के लिए हमें इसकी नेचर नजर आ रही है कि ये इसी तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा होगा और ये इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है. अच्छा, अब एक ग्राफ और देखो आप. नहीं, पहले आप एक चीज और लिखो. आप लिखो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट. कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट. किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें सीखोगे आप इसमें. कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे निकालना और कॉन्टिन्यूटी एक पर्टिकुलर इंटरवल में निकालना. आप लिखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट इन इट्स डोमेन. वो पॉइंट उसके डोमेन में होना चाहिए. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ does not break or jumps in the neighborhood of the point. जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछी जाती है उस पॉइंट पे ना तो ग्राफ ब्रेक होना चाहिए और ना उसके नेबरहुड में जंप करना चाहिए. जैसे मैं आपको एक फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूं बना के. इसमें कोई है एग्जांपल? जैसे एक फंक्शन आप ये देखो, फिर मैं आपको ना लिमिट के कॉन्सेप्ट पे ले आऊंगा बस अभी. ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस हो गई. फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन का ग्राफ है. ये देखो आप, मैंने एक ना ग्राफ बनाया है और ये कि एक लाइन खींची है मैंने स्काई ब्लू कलर में. ये x इज इक्वल्स टू a पे लाइन खींची है. आप बताओ इस ग्राफ में क्या आपको a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी नजर आ रही है? a पॉइंट पे क्या ग्राफ कॉन्टिन्यूस नजर आ रहा है आपको? ये जो a पॉइंट है नहीं नजर आ रहा. नो सर, क्योंकि देखो इसके इसमें क्या आ गया. a पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ग्राफ में एक गैप आया हुआ है. ये देखो, ये इतना बड़ा गैप है, इसमें ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है. एक बात और, फंक्शन की वैल्यू जो a पॉइंट पे है, देखो ये a पॉइंट ऊपर है और फंक्शन की वैल्यू a के थोड़ा सा आगे, नेबरहुड जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा आगे, पता है कैसे लिखेंगे? देखो x टेंड्स टू a प्लस. ये दोनों तो सेम है. आप a लोगे और a के बिल्कुल नेबरहुड में आओगे, जरा सा नेबरहुड में आओगे, तो आपकी वैल्यू दोनों ये सेम रहेंगी लगभग. लेकिन अगर आप a के लेफ्ट नेबरहुड में जाते हो, लेफ्ट नेबरहुड का मतलब होगा x टेंड्स टू a माइनस, a के इधर जाते हो, तो फंक्शन की वैल्यू देखो डिफरेंट मिलेगी. ये इक्वल नहीं है एफ ए के, जबकि ये आपकी दोनों वैल्यू इक्वल हैं. तो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है उस पॉइंट पे या तो फंक्शन की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू और उसके लेफ्ट और नेबरहुड, राइट और नेबरहुड में वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है. अब जरा ये आप देख के बताना ग्राफ से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. मैं एक पॉइंट पे पूछूंगा आपसे, ये सिर्फ देख के यस नो बोल देना. ये बताओ ये जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? ये x इक्वल टू जीरो पे, यहां पे एक ब्लैक होल दिया हुआ है, मतलब ये एक होल है यहां पे,
वाई एक्सिस पे ना जीरो के ऊपर चलोगे तो यहाँ पे खोल दिया हुआ है, बाकी फंक्शन इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, डोमेन मान लो इसका यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ देख के बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा हूँ आपसे, ये जीरो पर आप देखो ग्राफ ऊपर देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का होल है, नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? इसमें जो मतलब जीरो के पीछे जाएंगे तो वैल्यू लगा रही है, आगे जाएंगे तो लगा रही है, नहीं जीरो के आगे पीछे तो वैल्यू सेम है, आप चेक कर लो। मान लो आप जीरो के इधर जाते हो तो यहाँ देखो वाई एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी, और आप थोड़ा सा जीरो के आगे जाते हो मान लो थोड़ा सा तो भी वाई एक्सिस पे वैल्यू सेम आएगी, लेकिन आपका जो एफ जीरो है ये नॉट डिफाइंड है, एफ जीरो पर कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं है, वहां पे एक ग्राफ में क्या दिया हुआ है, खोल दिया हुआ है। जबकि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है एक्स टेंड्स टू ए माइनस और एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये कहलाती है आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों तो सेम है लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे है वो दी नहीं हुई।